नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं सिर्फ सच। 3 अप्रैल को हुए छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर नक्सली हमले के बाद से पूरे देश का ध्यान नक्सलवाद जैसी गंभीर समस्या की तरफ खिंच गया है और इस बात पर भी चर्चा होने लगी है कि आखिर कैसे हमारे जवान इन नक्सलियों का सामना करते हैं और कैसे इस समस्या से लड़ते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कई ऐसी फोर्स हैं जो कि नक्सलियों को धूल चटाने में लगी हुई हैं। इनमें कोबरा, सीआरपीएफ और डीआरजी के छत्तीसगढ़ के पुलिस के जवान शामिल हैं। लेकिन आपको बता दें कि इनमें एक ऐसी फोर्स भी शामिल है जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं। वैसे तो नक्सलियों से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ में डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा जैसी फोर्स हर वक्त तैनात है जो नक्सलियों को धूल चटाने में माहिर है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक और ऐसी फोर्स है जो कि नक्सलियों के खिलाफ अपनी फुर्ती के लिए जानी जाती है। इस फोर्स का नाम है स्पेशल टास्क फोर्स। स्पेशल टास्क फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसके जवान नक्सलियों को अकेले ही मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम होते हैं। बता दें कि स्पेशल टास्क फोर्स साल 2008 में अस्तित्व में आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है कि एसटीएफ ऐसे जवान तैयार कर रही है जो कि नक्सलियों को अकेले ही धूल चटा सके। कैसे होते हैं एसटीएफ के जवान, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग, चलिए आपको बताते हैं। एसटीएफ के जवानों की अगर बात की जाए तो एसटीएफ के जवान लोहे से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। जी हाँ, एसटीएफ में आए साधारण पुलिसकर्मी भी लोहे से मजबूत जवान बन जाते हैं। दरअसल लोहे से भी मजबूत होना एक पुरानी कहावत है जिसका मतलब होता है कि ऐसी मजबूती जो असाधारण हो। भिलाई से कुछ दूर बघेरा में स्पेशल टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर है जहाँ छत्तीसगढ़ पुलिस के चुनिंदा जवानों और आर्म्ड फोर्सों के जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेनिंग दुश्मनों को धूल चटाने के लिए काफी होती है। इस फोर्स से जुड़े 2 IPS अधिकारियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और कीर्ति चक्र, पुलिस गैलेंट्री मेडल के साथ कई पुरस्कार मिले हैं। और ये पुरस्कार इसलिए भी मिल पाए क्योंकि उन्होंने साधारण जवानों को असाधारण बना दिया। मुंबई के ताज होटल में हुए आतंकी हमले के बाद इंडोर फायरिंग देने की भी जरूरत समझी गई, जिसके बाद एसटीएफ के जवानों को इंडोर फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसके लिए एसटीएफ की एक बिल्डिंग भी तैयार है। इस ट्रेनिंग को देने का मकसद सिर्फ एक है और वो ये है कि अगर भविष्य में कभी भी ताज जैसी कोई घटना होती है तो हमारे जवानों के पास इंडोर फायरिंग का हुनर होना चाहिए ताकि वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सके। और भी ऐसी कई ट्रेनिंग है जो कि एसटीएफ के जवानों को दी जाती है, चलिए आपको बताते हैं उनके बारे में। अगर आपको लगता है कि एसटीएफ की ट्रेनिंग बहुत ही आसान होती है तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसटीएफ की ट्रेनिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता क्योंकि साधारण से असाधारण बनने की जब बात आती है तो उसके लिए काफी मेहनत करनी होती है। पुलिस या बटालियन से जवानों को डेपोमेशन के लिए भेजा जाता है। इसके बाद इस बात की स्क्रीनिंग होती है कि जवान फिजिकली फिट है या फिर नहीं, फिर जवानों को कड़ी प्रैक्टिस करवाई जाती है और फिर निकल कर आते हैं ये फौलादी जवान। आपको बता दें कि नक्सल ऑपरेशन में इस वक्त एसटीएफ की 2 यूनिट शामिल हैं और एसटीएफ ने बाकी फोर्सेस के साथ मिलकर 200 से भी ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया है और 700 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक लिए बने रहिए आप सिर्फ सच के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो पर कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी खबरों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। We'll be right back.